अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हबीब है और मेरे छोटे भाई का नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। आज मेरे भाई घर में फांसी लगा लिए और उनको जो है जब जिम जाते थे, जिम करने का शौक़ था, तो उन्होंने कोई चीज़ में मेरे भाई को जो है कोई गलत शौक़ में, कोई गलत चीज़ में जो है उनको इंजेक्शन वगैरह दे के उनको जो है इसकी लत लगा दिए। तो ये चीज़ जो है ऐसे ही आम खास हो गई कि भाई आज मेरा भाई चले गया। मेरे भाई के ऊपर जो है हम कितनी कोशिश कर लेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है भाई। अगर हम आवाज़ उठा रहे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा भाई। आज मेरा भाई जान से चले गया। मेरे वालिद साहब की मेहनत, 30 साल का मेरा भाई हुआ जवान, मेरे वालिद साहब की मेहनत पूरी ज़ाया चले गई। आज हमारे घर में, मेरे घर में मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी फैमिली में मेरे दो भाई थे, मेरा एक भाई चले गया, मैं आज अकेला हो गया। हमारा इंसाफ करने वाला कौन है? अगर आप लोग, हमारी जो भी हमारे कायदीन हैं, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आज हमारे भाई के साथ जो हुआ कल किसी और के साथ ना हो भाई। मेरा एक लौता एक भाई था, अगर वो मेरा भाई चले गया, मेरा भाई, मैं अकेला हो गया हूँ ना भाई। मेरा साथ देने वाला कौन है? मेरे बाप वालिद साहब के साथ देने वाला कौन है? मेरे भाई किसी और के साथ ऐसा ना हो। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ भी चीज आम खास मिल रही है मेरे भाई, वो चीज को जो है ना खत्म करा दिया जाए। ये जो चीजें इतनी आम खास हो गई, इतनी आम खास हो गई है कि वो चीज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई चीज की पाबंदी नहीं है। कोई बड़े से बड़ा लीडर भी अगर उसको रोकना चाहे तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह मदद, अगर बड़े लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज को हम रोक सकते हैं भाई। आप जिम में सेस करते हो, किसके ऊपर डाउट है आपको? डाउट उनके कोई साथ में रहने वाले जो भी सोहबत वाले जो दोस्त है उनमें से कोई एक बता नहीं भाई, जो भी ये करा दिए नहीं मालूम, बस उनकी बहुत जिम से नहीं खरीदते थे उन्होंने चीज़, ये उनको आम खास कोई बाहर से दे देता था भाई, उन्होंने किससे लेते थे हमको इसके बारे में पता नहीं है। बस ये इस्तेमाल कर रहे थे ये, उन्होंने 3-4 साल से जो है, 3-4 साल उनकी शादी से पहले से जिम करते थे, अब उसके बाद से जो है ना जिम खत्म करा दिए घर में भी, तो भी ये चीज का जो है ना उन्होंने लेते रहते थे। बस हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमको डेथ का रीजन क्या बोले हॉस्पिटल में, वही है डेथ का रीजन ये है कि डिप्रेशन में आके मेरे भाई जो है घर वालों की बात पे जो है समझते हुए दवाखाने को हम लेके गए, तो उन्होंने फांसी लगा ली। घर को वापस लाने के बाद उन्होंने घर वालों को समझे नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर को हम गए थे रखने के लिए, तो हमको जो है वहाँ पे कोई चीज की फैसिलिटी समझ में नहीं आई, इसके लिए हम हमारे भाई को वापस लेकर आए घर पे। हम इतना समझाए मोहब्बत से मेरे भाई को, समझाए मेरा भाई मेरे सीने से लग के रोया, मेरे भाई मैं आज के बाद तकलीफ नहीं देता हूँ। मेरे भाई की शादीशुदा जिंदगी, दो साल हुए शादी हो गए, एक छोटी सी बच्ची है मेरे भाई की, मेरे भाई की बच्ची का कौन जिम्मेदार है? हम टप्पा चबूतरा BS के करीब में ही रहते और वहीं पे BS में जो है कंप्लेंट हुई थी, और मेरे भाई की एक दिन पहले जो है हादसा हुआ था, मेरे भाई की लड़ाई हुई थी, जिससे भी हुई थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो टप्पा चबूतरा BS में उसकी कंप्लेंट, मेरा भाई खुद जो अभी मरहूम है वो खुद अपनी साबित जान से जाके वो कंप्लेंट किया है इसके बारे में। तो मेरे वो पता नहीं भाई, वो पहले घर के अंदर सामान एरिया में हमारी बस्ती में उन्होंने खुद खुबले भाई, हमारे भाई खुद अपने जबान से बोले, हम दवाखाने जब हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हम पूछे क्या क्या मसला है क्या नहीं है, घर में रहने का जो तरीका पहले जैसे रहते थे वैसे नहीं रह रहे, तो हम घर वाले जिम्मेदार ये समझे कि चलो इनका इलाज कराएंगे, बल्कि हम दवाखाने लेके गए जब हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो है ना इनका जो कुछ भी है तफसील हमारे को जब मालूम हुई, आज मेरा भाई जो है घर में फांसी लगा लिया सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्मिंग नाम से जो इंजेक्शन आ रहा है भाई, ये इतना आमखास मिल रहा है, इतना आमखास मिल रहा है कि जो भी है रुआब से लाके दे के जा रहा है। अब ये चीज है कि जो है ना ये इतनी ऐसी कौन सी चीज है जो शराब और जो है ये सब चीजें हराम है हमारे इस्लाम में, इतनी आमखास कैसी हो गई ये चीजें, जो इसके ऊपर रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, हमारी पुलिस है और हमारी कायदीन है, इसके ऊपर आप लोग एक्शन लीजिए। डॉट देखिए साहब, अब हम पक्का जो है ना किसी के ऊपर बोल नहीं सकते, पता नहीं उनके कोई दोस्त अहबाब में ही है, उसी में जो है उनको ये चीज हासिल हो रही है। कल इंजेक्शन वगैरह का हम जिक्र नहीं करे भाई, आज हमारे भाई की जब इंतकाल हुआ, जब उनको ले लिए, तो हम जब ये चीज का जिक्र जो है आम खास आप लोगों के सामने रखना, बल्कि हम ये चीज रख रहे हैं ताकि कल किसी और के साथ